हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी लोगों को स्वागत है एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का। यह है नरसी जो कि अभी अभी नहाई है। आज तो ठंडा पानी था, आज मौसम बिल्कुल ठंडा है यहाँ पे। अभी दो तीन दिन से बिल्कुल लगातार गर्मी हुई थी, आज अभी दो तीन दिन से गर्मी हुई थी, अभी कल परसों से ही बारिश हो रही। ठंडा मौसम बिल्कुल, अभी धूप भी नहीं निकली, गर्मी मतलब पंखा चल रहा है तो भी ठंडी लग रही, बाहर हवा चल रही तो भी ठंडा लग रहा है। तो अभी दोपहर के कितने बज गए, 12 बज गए, 12 बज के मैं जगह बता दो उसको रख दूँ। अरे बैग वैग में डाल दो कहीं। तो खाना पीना की शुरुआत हो चुकी है, खाना बन रहा है, दाल चावल लौकी की सब्जी और रोटी। तो अभी दाल चढ़ाई हो रही है, तो चल रही हूँ लौकी की, लौकी कट करूँगी। एक जनी स्कूल गए थे, आ गए स्कूल से, नरसी नहा चुकी, तो आज शायद उनकी दीदी के यहाँ, उनको दीदी बुलाई थी, दावत थी उनकी, देखो जाती हैं कि नहीं, इसीलिए जल्दी नहा ली जाने के लिए। अब जाएंगी कि नहीं जाएंगी, घर में तो खाना मैं बना ही रही हूँ, देखते बने रहिएगा लास्ट तक। इधर दाल चढ़ा रखी हूँ, इधर दाल चढ़ा रखी हूँ, दाल हो रही है। लौकी लेके आई थी गोल वाली, ये लौकी अच्छी होती है, तो इसी की सब्जी बनाऊँगी। पहले इसको छीलूँगी, कट करूँगी। हाँ हाँ चावल सब्जी रोटी, तो दाल बन गई थी, सब्जी सौंपने जा रही थी, तो दावत बने बताया था, दीदी ने इनके बोला था, तो अभी फ़ोन करी कि भाभी आप भी आ जाइए। तो चावल डालने जा रही हूँ, सब्जी नहीं बनाऊँगी, तिवारी जी के लिए बना दे रही हूँ, अभी वो आएगी खाने, तो दाल हो गई, चावल साफ़ कर रही हूँ। इस बार में मम्मी ने चावल साफ़ करके तो दिया था, पर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं तो जैसे मतलब धान एकाथ एकाथ है, कुछ एकाथ कंकड़ वगैरह, तो साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी दो बजने वाले हैं, तो हम लोग जा रहे हैं न्योता खाने, दावत खाने जा रहे हैं फ्रेंड के यहाँ। आज उनके ससुर की श्राद्ध है, तो हर साल बुलाते हैं। अभी मैंने सोचा था कि नहीं जाऊंगी, इन लोग को भेज दूंगी, यहाँ घर में भी खाना बना लिया था, मेरा कहीं जाने का मन नहीं होता दावत वगैरह खाने, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं होता। मतलब इसको ये नहीं कहेंगे कि जाना नहीं चाहती या कोई मतलब फैशन में, मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं होता। घर में अपना जो भी बनाओ, खाओ, मांजना धोना सब कर लो, तो भी चल रहे हैं ये लोग भी चल रहे हैं। पंखा बंद कर दो। ये आया है मेरे घर से तेल, 5 लीटर का डब्बा है, जो कि पूरा फुल है, ज़रा सा भी खाली नहीं है। और मेरा भाई इसको गठिया के अच्छे से दिया है, और यहाँ पर कल से बहुत ही बम्फर बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा वाली। तो अभी मैं कुछ इसमें जा रही हूँ तलने, गिर भी गया जल्दीबाजी में, निकालते नहीं बना, तलूँगी, जो गिरे पन्ने में ही गिरे। ऑलरेडी यह डब्बा भर के है, तो इसको मैं तलूँगी, चाय बनाऊँगी।
लो नैन्सी। अभी मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। दोपहर में कट किया था तो दोपहर में नहीं बनाई थी। सिंपल बिल्कुल बनाऊंगी, हल्दी वगैरह नहीं डालूंगी। जीरा और मिर्ची का तड़का लगा के मौसम यहाँ ऐसा हो गया है कि बिल्कुल मतलब ठंडा मौसम हो चुका है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पंखा वगैरह दिया नहीं चलाई ना, पंखा वगैरह बंद करने की नौबत आ गई। इतना ठंडा हो गया है, मतलब पंखा चल रहा है, ये पंखा धीमा नहीं होता है तो जब मतलब फुल पे चलता है, बिल्कुल फुल पे डायरेक्ट है, तो इसकी सब चीज़ें घप घुप हो ही रहा है। गैस धीमा करें तो बंद ही हो जा रहा है। तो सारे कपड़े सूख गए थे, सवेरे डाली थी धो के, सारे सूखे हुए थे। चली गई वहाँ फ्रेंड के यहाँ दावत खाने चली गई, और वहाँ से वहाँ गई तो बारिश तेज, मतलब तेज की बारिश होने लगी, और पूरे कपड़े गोलू आ गए थे, लेकिन वो निकाले नहीं कपड़े, तो सारे कपड़े भीग गए। दोबारा से सारे कहीं मतलब डालूँ भी तो ऐसे दरवाजे वरवाजे पर डाल दिया है, तो इतना ठंडा हो गया कि पंखा भी बंद करना पड़ा। अभी दिया जला रही है, साफ भी करने लायक पंखा है। तो सब्जी छोकी हूँ, अभी जा रही हूँ आटा लगाऊंगी। दाल चावल दोपहर का रखा हुआ है, बहुत गंदा लगता है जब से गंदी आवाज निकालती। मैं दिखा दूंगी फिर। काट काट, चलो शुरू। एक्शन बोला करो। क्या खींच पा रही है? बता रही है कि चांद दिखेगा। दो कैमरा हिलाया ना करो, हाथ और दो उसको देख। हाँ वो तो नहीं खींच रही, वीडियो बना रही। रात के बज गए कितना? 9 देख के बताइए अपने मोबाइल में। 9:05 घड़ी पीछे चल रही है। मटक रहा, दिखा दो। घड़ी पीछे चल रही है। अरे घड़ी से तो मैं परेशान हो गई हूँ, लग रहा है तोड़ के फेंक दूँ किसी ने। अभी रात के बज गए 9, लौकी की सब्जी बन गई, आटा लगा दिया। मनोज तिवारी एक बार छुट्टी करके आ गए तो दोबारा फिर फोन आ गया तो फिर चले गए, तो अभी तक नहीं आए हैं। इन लोग अपनी क्वालिटी बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस दोनों लोग बिजनेस में लगे लगे बता रही है। 2 चांद दिखेंगे, एक दिख जाएगा। एक तो दिखता नहीं हम लोगों को, 2 कैसे दिखेगा? यहाँ से दिखता है चांद, सामने ही निकलते हैं। एसी बंद कर दो, एसी बिजली का बिल बढ़ा रहे हो आज, तो बिजली का बिल भी नहीं बढ़ेगा। एसी बंद करना, मच्छर काटेगा। अच्छा है, मुझे काट रहा था अभी। तो भी रोटी नहीं बनाई, वो भी आ जाए तो बनाओ। बैठी हूँ, इन लोग बिजनेस मैन बने हुए हैं, सपोर्ट करने को ना बोलो, पढ़ाई लिखाई हो रही है, सपोर्ट नहीं करेंगे। पढ़ाई लिखाई जो करते हैं पता नहीं करते भी हैं कि नहीं, बहुत बड़ा बीच बीच में कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तू भी करती हूँ थोड़ा बहुत सपोर्ट, और तो कोई नहीं करता। आता तो बिल्कुल इंसान मतलब परेशान हो जाता है, पता नहीं कब क्या होगा। किसी के साथ वीडियो को एंड करूँगी, मिलूंगी आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे।